मेरा मानना ये है कि एसिड फैक्ट्री सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इट्स अ थ्रिलर, इट हैज एन एक्साइटिंग प्लॉट, इसके कैरेक्टर्स बहुत जोरदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है. एक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रेमाइस, इट्स नॉट अबाउट, लाइक द फिल्म इज नॉट अबाउट एक्शन, विच इज व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग. बहुत मजा आया, हम सबको मजा आया, हम सब ने अपने स्टंट्स किए हैं काफ़ी सारे, और हर सेकेंड को बहुत इन्जॉय किया है. मेरा मन कर रहा है सारे प्रेस को मैं किडनैप करके ले जाऊँ, सबको हथकड़ियाँ पहना दूँ. आप लोग इतने प्यारे हो, इतना प्यार. I mean, the internet is something that really can't be ignored today. So something that is a great platform for films. And of course, a portal like, especially like Big Adda, where you got so about 5 million users a day, I think it's a very, very prominent site. And I think it's a great alliance and you know, association for Acid Factory. हर फिल्म के साथ वही उम्मीद रखते हैं, हालांकि अगर वो एक सोलो स्टार हो या मल्टी स्टार, हर फिल्म में जैसे उनको भी मैंने जवाब दिया था एक 100% हम लोग देते हैं, तो एवरी फिल्म इज एन एसिड टेस्ट. हर फिल्म के साथ यही उम्मीद कर सकते हैं, यही होप कर सकते हैं कि फिल्म चलेगी. एंड आई थिंक एसिड फैक्ट्री ऑल्सो आई एम एक्सट्रीमली होपफुल, बहुत मेहनत की है वैसे, एंड आई एम लुकिंग फॉर दैट वन हिट. अनलाइक इन गजनी वे यू नो व्हाट दैट गाय वाज ऑल अबाउट, ओवर हियर यू डोंट नो दीस पीपल बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो. सो इट्स ऑल्सो प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी and the discovery of the fact whether they're good or evil. So that's what sets it apart. Kahani basically Acid Factory mein based hai, jahan ye saat characters apne aap ko bandhak paate hain. And the factory itself is a character, it's the eighth character in this, seven actor film. And the story moves with it and through it. So that's the reason the title Acid Factory.